बुलबुल पर बैठकर इनका सावरकर उस जमाने में घूम रहा था, तो वैसे ही ये हेलीकॉप्टर से गए और उठा करके ले आए। शर्म आनी चाहिए। और ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो कहते हैं कि 70 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, तो इनके राज में सब कुछ हुआ कि सरकारी सारी संस्थाएं बिक गई, जादू टोना चलने लगा, कपड़ों का क्लिप चलने लगा। ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया कि उनका हर डिबेट से पहले मेकअप होता हो। दरअसल ये सरकार न गाय की है, न गंगा की है, न हिंदू की है। आज माँ गंगा के नाम पर, नमामि प्रोजेक्ट के नाम पर अरबों खरबों की लूट करने वाली ये सरकार, क्या मेरी माँ गंगा स्वच्छ हो गई? मेरी माँ गंगा स्वच्छ हुई नमामि गंगे प्रोजेक्ट? रही बात माँ गाय की, वो मेरी माँ है, आस्था मेरा है उनमें। माँ गौ के अंदर 84 कोटि देवता वास करते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं कि गौ के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन आज मेरी माता गाय तड़प रही है, छटपटाहट में है, और ये सब के सब इस सरकार की गलत निर्णयों की वजह से है, क्योंकि ये एक वायरस है, उनका रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं। ये गौशाला तो गौशाला के नाम पर लूट हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्या खेल खेल रहे हैं ये लोग कि आखिर वो गौ माता हमारी कहाँ जाती है, या गौ माता इतना बीमार पड़ रहा है तो ये उसके बारे में ना सोचकर चीता पहले लेकर के आ रहे हैं कि जो हिरन कुछ बच रहे हैं हमारे यहाँ उसका भी शिकार ये कर ले। हमें शेर नहीं चाहिए, हमें इंसान प्राइम मिनिस्टर चाहिए भैया। शेर तो जंगलों में ही अच्छा लगता है, क्या जानवर प्राइम मिनिस्टर हो आपके देश का आप चाहते हो? नहीं ना, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर इंसान हो, बेहतर हो, हमारे दुख दर्द को समझने वाला हो। तो मोदी जी को आप इंसान नहीं मानते क्या? मैं क्या मानूं जब आप ही कह रहे हैं कि शेर कहते हैं उनको, तो भैया जब शेर हैं तो इंसान कहां से हो जाएंगे हमको बता दीजिए। जहां साहब, देश में 70 साल बाद मोदी सरकार ने चीते की वापसी कर ली है। मोदी सरकार ने वापसी कर ली, मोदी सरकार आए और आते ही निविया गए, निविया से चीता उठा के ले आए, वाह। उसके बीच में, उसके आगे, उसके पीछे की सरकार ने कुछ नहीं किया है ना, ऐसा ही है ना, ऐसा ही ना, कुछ नहीं किया। एक जादू की छड़ी इनके पास थी, उस जादू की छड़ी को घुमाया, चीता निविया के जंगलों से आकर के पिंजरे में कैद हो गया। कोई कानून नहीं, कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है, सबको धत्ता बताते हुए मोदी जी सुपरमैन बनते हैं, जैसे बुलबुल पर बैठ करके इनका सावरकर घुमा करता है। कर्नाटक की किताब में छपा है ना, किताब में, जी हाँ। तो बुलबुल पर बताओ आप, बुलबुल पर बैठकर इनका सावरकर उस जमाने में घूम रहा था, तो वैसे ही ये हेलीकॉप्टर से गए और उठा करके ले आए। शर्म आनी चाहिए। अरे ये उसी पार्टी के हैं जिस पार्टी में अटल जी थे। अटल जी ने सत्ता जब संभाला तो उन्होंने कहा था कि 65 वर्षों में हमारे देश ने बहुत तरक्कियां की है, जो कमियां रह गया है उसे हम पूरा करने का काम करेंगे। तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं इन सरकार से और देश से कि मेरे भाई अब भी आंख तुम्हारा नहीं खुल रहा। जब जब देश की जनता देश के प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखता है, आज गौ माता के दर्द को महसूस कर रहा है हिंदुस्तानी, तो सरकार चीता लेने चली जाती है। आज इसी हिंदुस्तान में कहा ना कि गौ, गंगा, ब्राह्मण और क्या कहते हैं, गौ, गंगा, ब्राह्मण और हिंदू, सब के सब इस सरकार से ठगे ठगे से महसूस कर रहे हैं। लेकिन सर, देश में जो स्थिति है आज, बेरोजगारी है, महंगाई है, आज चीता बहुत जरूरी था क्या लाना यहाँ पर? देखिए, इस सरकार चाहती है, ये सरकार दो लोगों की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है। ये चाहती है सरकार की हिंदुस्तान की आवाम की हालात ऐसी हो कि वो हमें खुदा माने, हमें भगवान माने। अगर मैं उसे 20 किलो राशन दे दूं तो वो हमें अपना भगवान मान ले, इस स्थिति में लाना चाहता है। हर सरकार का हर निर्णय अडानी और अंबानी को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाने में लगा है और आम हिंदुस्तानियों को धरातल पर लाने का प्रयास है। चीता को लाने के लिए 2012 से प्रयास चल रहा था, और इस बात को हम और आप समझ सकते हैं कि बाहर से कोई भी सामान लाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन मोदी जी की एक कलाकारी है और इनकी गोदी मीडिया की कलाकारी है कि मोदी जी जो कह दे वो मुख्य कानून छे, मुंह से जो निकल गया वो कानून है, मुंह से जो निकल गया वो शब्द है। कहते हैं लॉकडाउन तो लॉकडाउन, नोट ख़त्म तो नोट ख़त्म, उसी तरीके से अब ये कह दिया कि मैं लेके आया
तो आ गया, उसके आगे पीछे कोई कहानी नहीं बनी, जबकि हर किरदार के पीछे पिछली किरदार का महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा चीता आने से देश में? आम आदमी और डर के रहेगा, आम आदमी जो है अब और डर के रहेगा। कल तक तो इस सरकार की महंगाई का शिकार हो रहा था, अब परसों जब भूखा रहेगा, मरने से बेहतर है कि उसका आहार बन जाएगा चीते का। तो मोदी जी ने बड़ा काम किया सर दुनिया में देश में। अजी काहे का बड़ा काम, ये काम तो सब दिन होता रहा है, इसको बड़ा काम क्या के? बड़ा काम तब हम मानेंगे जब हमारे पड़ोस का बेरोजगार नौजवान रोजगार ले प्राप्त कर ले, हम तब मानेंगे इनका बड़ा काम कि इनके निर्णय से महंगाई रेट पे कमी आए। जब हम मानेंगे जब आंगनवाड़ी की महिलाएं जब अपनी मांग को लेके चले तो उनके ऊपर लाठी ना पड़े। हमारे आज भी वन रैंक वन पेंशन की बात करने वाले हमारे फौजी भाई जिनकी वजह से हम और आप सुरक्षित हैं, आज भी वो धरनारत हैं, उनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं। जिस अन्ना आंदोलन के दम पर ये सरकार आई लोकपाल बिल पे, आज तक वो लागू नहीं हुआ। अन्ना जी कहाँ खो गए हैं इस सरकार के आने के बाद, उनका भी जरा पता मिले तो हमें बता देना। आप सर महंगाई की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वित्त मंत्री ने बाकायदा बोल दिया कि देश में महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। वित्त मंत्री इसलिए बोल गए ना क्योंकि हमारा देश, हमारे देश से अब NRI भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? हर साल 80,000 NRI विदेश क्यों जाना पसंद कर रहे हैं, क्यों वहाँ रहना पसंद कर रहे हैं? क्योंकि जहाँ बेरोजगारी बढ़ जाएगी, जात पात की बात होगी, तो निश्चित रूप से अराजकता का माहौल होता है, गृह युद्ध की स्थिति बनती है, और ये पैसे वाले लोग नहीं चाहते कि मैं ऐसे हिंदुस्तान में रहूं जहां की भाई से भाई को देख करके लड़ना पड़े, इसलिए वो अपने बच्चे को भविष्य को देखते हुए विदेश जा रहे हैं। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारे प्रदेश और देश का हालात ऐसा ना करें, हमारे देश और प्रदेश का हालात जो है बिल्कुल वैसे ही रहने दे जैसा पहले था। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन आप कह रहे हैं कि सर लोग विदेश जा रहे हैं जो धनी लोग हैं, लेकिन देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मन रहा है और जो अमृतकाल चल रहा है, बढ़िया कर रही है सरकार। देखिए अमृतकाल क्या इनकी वजह से अमृतकाल महोत्सव हम मना रहे हैं? क्या ये आते ही 75 साल के हो गए? ये सरकार आते ही 75 साल की तो नहीं हो गई? जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उस दिन देश की आज़ादी के बाद हमें सरहदों की चार दीवारी भी नहीं थी हमारे पास, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे हमारे पास, हम सुई तक बनाने की ताकत नहीं रखते थे। लेकिन जब ये आए तो जहाज बनाने की ताकत थी हमारी, विक्रांता बन चुकी थी, अब्दुल कलाम जैसे नायाब हीरा हिंदुस्तान की भारत माँ ने जन्म दिया था, जिसने हमें परमाणु शक्ति संपन्न बनाया। तो इनके कहने से थोड़ी अमृत महोत्सव का, ये तो उसका भी लाभ ले रहे हैं, सरकारी पैसों का खर्च करके अपने पार्टी का प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं, अन्यथा कुछ नहीं। देखिए आंकड़ों में मत चलो आप, पॉकेट पे चलो आप, चेहरों की चमक पे चलो आप। चेहरे की चमक बताता है कि हमारे देश की हालात क्या है। जिस दिन चेहरे चमकने लगेंगे, हर चेहरे पे मुस्कान होगा और देश हमारा खूबसूरत नजर आएगा। आज तो यहाँ नफरत भय भूख भ्रष्टाचार चहुंओर व्याप्त है। लेकिन सर 2024 से फिर से आ रहे हैं मोदी, ये मीडिया का सर्वे आ गया है सर, कोई विकल्प नहीं है देश में मोदी के अलावा? आपको पैसा उसका कहाँ मिला है वहाँ से? आपको भी लगता है कुछ मिल गया है? हम कहाँ सर पैसा? हाँ तो फिर कैसे कह दिया कि आ रहा है मीडिया का सर्वे? अरे कौन मीडिया, वही गोदी मीडिया, बार बार उसी का सर्वे, बार बार उसी का सर्वे चलेगा। अब जनता ने सर्वे कर लिया है, वो जनता जो खा रहा है मोटका चाउर, वो मोटका चाउर का हिसाब इनको देगा। सर 2022 में भी आप ऐसे ही कह रहे थे जब 4-5 राज्यों में चुनाव थे? देखिए कह रहे थे तो और रहे थे, लड़ रहे थे, अड़े हुए हैं, टिके पड़े हैं, इनसे डरे हैं क्या? हम बता दीजिए, हम झुक गए हैं क्या? वो लोग झुकेंगे, वो लोग डरेंगे, इनसे जो दलाल होंगे भ्रष्टाचारी होंगे वो इनसे डरेंगे। हम जैसा भारत माँ का सच्चा बेटा नहीं डरने वाला, सच का आईना इस सरकार को हम दिखाते रहेंगे। ठीक।